कोरोना के खिलाफ एक तरफ लड़ाई जारी है तो वहीं दूसरी तरफ लापरवाही का मंजर देखने को मिल रहा है। कई मामले ऐसे देखने को मिलते हैं जहां प्रशासन कोरोना की रोकथाम की कोशिश करता है लेकिन जनता सुधरने का नाम नहीं लेती। ऐसा ही कुछ हुआ सोनकच में, जहां कोरोना कर्फ्यू की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। वैसे तो देवास कलेक्टर ने शादी समारोह पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन गंजपुरा गांव में न सिर्फ शादी समारोह का आयोजन हुआ बल्कि अच्छी खासी भीड़ भी यहां पर देखने को मिली। इस दौरान अधिकतर लोगों ने ना तो मास्क पहना था और ना ही यहां पर कहीं भी सामाजिक दूरी देखने को मिली। वहीं जैसे ही ये मामले की सूचना नायब तहसीलदार अभिषेक चौरसिया को मिली तो वह पुलिस बल सहित मौके पर पहुंचे और कोरोना कर्फ्यू में गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया। नारायण पिता आत्माराम निवासी गंजपुरा के पुत्र उमेश के विवाह कार्यक्रम चल रहा था जिसमें डीजे बजाकर नृत्य का कार्यक्रम हो रहा था, जिसमें करीब 100 से 125 लोग मौके पर मौजूद थे। हम जब मौके पर गए तो लोग डीजे बंद कर काफ़ी संख्या में वहां भीड़ लगा रखी थी, सभी लोग भाग गए और वहां पर कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा था। इस कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने और कलेक्टर महोदय द्वारा विवाह पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण डीजे को जब्त किया जाकर नारायण पिता आत्माराम एवं उमेश पिता नारायण के खिलाफ 188 की कार्रवाई की गई है।